डिलीट नहीं होने। तो चलिए आज हम डिस्कशन करते हैं आपके साथ अपनी इस क्लास में। हम आज आपको बताने वाले हैं इवेंट मैक्रो के कुछ एग्जाम्पल्स। जी हाँ, इवेंट मैक्रोज के कुछ एग्जाम्पल हम आपको आज बताने वाले हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि मैं अगर कॉलम ए में कोई एंट्री कर दिया तो फिर मैं उस एंट्री को चेंज ना करूं या डिलीट ना कर। तो इस केस के लिए हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हम जाएंगे डेवलपर टैब में, विजुअल बेसिक, और यहां जिस वर्कशीट पे है उस वर्कशीट पे आएंगे। सीट वन पे है हम, तो सीट वन पे हमने डबल क्लिक किया और यहां वर्कशीट, और यहां पे हमने चेंज को ले लिया। ठीक है, चेंज लेने के बाद सबसे पहले हम कंडीशन देंगे कि इफ एक्टिव सेल डॉट कॉलन इज इक्वल टू वन होना चाहिए। फिर हमने बोला कि रेंज ए वन से रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सेलेस आप डॉट सेलेक्ट। अब मुझे इसमें क्या करना है, जैसे मैंने मान लीजिए कि दो एंट्री कर दिया, तो इन दोनों को सिलेक्ट करके इसका जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट सेल में जो इसका जो प्रोटेक्शन होता है, इसको इसको जो है पहले तो पूरा सीट जो है बाय डिफॉल्ट लॉक्ड है। ध्यान रखिएगा, मैं फॉर्मेट सेल में डिफॉल्ट क्या कर देता हूं, इसको लॉक्ड के हटा, मतलब कि पासवर्ड डालने के बाद भी हम कहीं भी एंट्री कर सकते हैं, राइट? लेकिन मैं चाहता हूं कि जैसे कोई टाइप करे तो यहां पे दो दो चीजें हैं जो ऊपर है। टाइप करने के बाद इसका प्रोटेक्शन लॉक हो जाना चाहिए, लॉक हो जाना चाहिए, और ये प्रोटेक्ट हो जाना चाहिए पासवर्ड से, समझे? तो क्या करेंगे इसके लिए? चलिए, तो इसके लिए हम करेंगे कि यहां पे डॉट लॉक लॉक्ड इक्वल टू ट्रू। लेकिन ऐसे ट्रू नहीं होगा, पहले हमको इसको अनप्रोटेक्ट तो करना पड़ेगा। सीट वन डॉट अनप्रोटेक्ट, और हमने पासवर्ड डाल दिया, फिर हमने इसको लॉक को ट्रू किया, लॉक को ट्रू किया, और फिर हम इसमें कर देते हैं सीट वन डॉट अनप्रोटेक्ट, सॉरी प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट, और यहां पे पासवर्ड डाल देते हैं, फिर डू इवेंट ये साथ होगा, हाँ इवेंट, और यहां पे, और इसके ऊपर भी मुझे डू इवेंट्स लगाने पड़ेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये माने कि इन्फिनिटी से अगर बाहर हो जाए, क्योंकि हम प्रोटेक्शन से लॉक कौन चेक कर रहे हैं वो भी तो एक तरह का चेंज ही है ना, इसलिए डू इवेंट लगाना जरूरी है।
अब मैं इसको प्रोटेक्ट करके पासवर्ड डाल देता हूं। अब मैं यहां पे टाइप करता हूं, टाइप हो गया। अब मैं इसको डिलीट करने की कोशिश करता हूं, नहीं हुआ डिलीट, समझे सर? तो इस कोड को समझिए, कोड क्या है। बेसिकली हम चेंज पे लगा रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ये इंफिनिटी में जा सकता है, क्योंकि चेंज का मतलब हुआ कि सेल में किसी भी तरह की चेंजिंग, चाहे फॉर्मेटिकल हो या वैल्यू हो। इसलिए हमने स्टार्टिंग में और एंड में डू इवेंट लगाया ताकि इंफिनिटी में ना जाए। प्रॉब्लम क्या होगा कि पहले चेंज हुआ, फिर कोड अप्लाई होगा, कोड अप्लाई हुआ तो उसमें भी चेंज है, तो फिर कोड अप्लाई होगा, फिर कोड अप्लाई होगा, इस तरह से इन्फिनिटी में चला जाएगा। माइक्रो का कभी ई का एंड ही नहीं होगा, नतीजा आपका एक्सेल हैंग रहेगा। ठीक है, इस कोड को समझिए 2 मिनट में आप। रुपेश जी, कोई डाउट सर? प्रोटेक्ट जब करेंगे तो प्रोटेक्ट फर्स्ट होना चाहिए ना, पासवर्ड पहले डालना चाहिए, बाद में अनप्रोटेक्ट, समझा नहीं आपने? अनप्रोटेक्ट किया पहले। हाँ ऐसा ही क्या हुआ, तो वो बाय डिफॉल्ट से लॉक होता है सर, उसके लिए आपने उसको अनप्रोटेक्ट किया है ना? हाँ, क्योंकि यहां देखिए ना, ये तो प्रोटेक्ट कर दिया ना लास्ट में, मतलब एक एंट्री किए हम, इसने प्रोटेक्ट कर दिया। अब जब सीट प्रोटेक्ट है तो उसकी फॉर्मेटिंग को चेंज कैसे करोगे? तो पहले उसको हमने अनप्रोटेक्ट किया, फिर हमने उसकी लॉक को, लॉक रेंज को बढ़ा दिया। सिंपल से बात समझो ना, नहीं समझ आपसे कंफ्यूज हो रहे हो। देखो हम क्या, हमारे पास क्या ऑप्शन है कि अगर हमने एंट्री किया हुआ है, ठीक है, हम चाहते हैं कि एंट्री किया हुआ है और चेंज, सिर्फ एंट्री करते जाए और चेंज ना करे, ठीक है। तो हमने क्या किया हुआ है कि हमने मान लीजिए मुझे एंट्री इतने इतने एरिया में करना है, तो हमने पहले तो क्या किया, पूरे सेल को सिलेक्ट, फॉर्मेट सेल किया, मतलब कि हमारे पास कुछ एंट्री है, मैं चाहता हूं कि मेरी एंट्री को कोई चेंज ना कर सके, नया एंट्री कर सके, मेरी एंट्री चेंज ना कर सके। तो मैंने क्या किया, पहले पूरे सेल को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट सेल में जाके इसको लॉक हटा दिया ताकि एंट्री कर सके, फिर मैंने इस एरिया को लिया और इसको हमने प्रोटेक्ट कर दिया और इसको लॉक्ड कर दिया, और फिर हमने पासवर्ड डाल दिया। समझ गया सर, क्योंकि अगर पहले ही ऐसा करेंगे तो वो शीट पे कुछ कर ही नहीं पाएंगे अगर डायरेक्ट लॉक करेंगे तो। हाँ, अब मैं यहां एंट्री कर सकता हूं, लेकिन प्रॉब्लम यह हुआ कि हमने अब एंट्री हो गई, लेकिन अब इसको हम चेंज कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी जो लॉक्ड सेल है वो इतना ही है ना, तो ए भी एंट्री ना चेंज हो सके तो मुझे इसकी लॉक रेंज को यहां से हटाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। लॉक रेंज को बढ़ाने के लिए मुझे सबसे पहले इसको अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर मैं वापस जाऊंगा और अपनी लॉक रेंज को बढ़ा दूंगा, समझ गए? तो यही काम वीवीए हर एंट्री में कर रहा है कि आपके लॉक रेंज को बढ़ा दे रहा है, जिस कारण से की गई एंट्री को आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो लॉक रेंज लॉक्ड है सेल, और बाकी जो है जितने ब्लैंक है अनलॉक्ड है। समझ गए? कोई डाउट तो नहीं ना आप लोगों को सर?
नो सर। तो इस नो तरह सर। से इवेंट को हम फॉलो करते हैं। और एक डू इवेंट क्यों डाला है समझ में आ गया आपको? ऐसे बता दो ना। चलिए इसके लिए इस कोड को पहले निकालता हूं मैं, जब फिर इन्फिनिटी में चला जाएगा। ठीक है, एक मैं नोट पैड पे आता हूं मैं। मैं बताता हूं आपको, अब मैं डू इवेंट हटा देता हूं। अब देखिए क्या होगा। सीट वन है ना, कोई फर्क नहीं पड़ा। बताता हूं, जैसे कि मैंने एक माइक्रो बनाया था कि आ गया इसी में, कि मान लीजिए कि ए मेरा, मेरे पास अमाउंट है और यहाँ एमआरपी है। मैं चाहता हूं कि जैसे मैं यहाँ एंट्री करूं, तो इसके आगे जो है इसकी अमाउंट कैलकुलेट होके यहाँ पे डल जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, हमने व्यू इस पे व्यू कोड पे गया और हमने यहाँ पे सिलेक्शन और यहाँ पे सॉरी वर्कशीट यहाँ पे हमने चेंज दे दिया। ठीक है, और हमने क्या किया कि एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट, ऑफसेट में -1, 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू एक्टिव सेल अच्छा डॉट ऑफसेट -1, 1 0 डॉट वैल्यू इज मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब देख क्या हुआ, जैसे मैं इस पे इंट्री करके एंटर मारा ऐसे यहां भी आया, तो ये चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां भी वैल्यू जो हम डाल रहे हैं वो भी एक तरह का चेंज ही है ना, इसलिए हम डू इवेंट डालते हैं। तो कई केसों में ऐसा प्रॉब्लम आएगा, तो देखिएगा इस चीज पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एक नया काम आप लोगों को दे रहा हूं सर, एक कोड मैं आपको भेज देता हूं। नया काम यह है कि आपको एक मैक्रो एक फाइल के अंदर वैलिडेशन लगाना है। मैं चाहता हूं कि मेरा फाइल कुछ दिनों बाद एक्सपायर हो जाए। मैंने एक मैक्रो बना के आपको भेजा और मैं चाहता हूं कि वो मैक्रो फाइल एक हफ्ते बाद आप उसका यूज ना कर पाए, या एक महीने बाद, मान लीजिए एक महीने बाद, एक महीने बाद आप उस फाइल को इस्तेमाल नहीं कर पाए। ठीक है, एक नया प्रोजेक्ट है इवेंट मैक्रो से रिलेटेड, ये आपको करना है। आज करके आप दे दोगे तो ठीक है, मतलब कल मैं उस चीज में आपको बता दूंगा ओके सर। और ये रिकॉर्डिंग में अपलोड कर देता हूं, आपको मिल जाएगी थोड़ी देर में। जी सर।